देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन आखिरी पार्ट है। इसके अंदर ये गिवन है कि अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ बीटा, आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला और यहाँ आ गया, प्रोजेक्टाइल का जो प्रोजेक्शन का एंगल था वो थीटा था, इंक्लाइंड का एंगल बीटा था, तो इंक्लाइंड के साथ प्रोजेक्टाइल ने एंगल बनाया थीटा माइनस बीटा, तो यहाँ लैंड कर गया। जब वो यहाँ लैंड किया तो इसकी ये चीज़ क्या है, रेंज, और ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर कोई इसका प्रूफ देखना चाहता है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी कईयों को होता है नहीं मुझको और भी जाना है, मुझे एडवांस करना है, थोड़ा और ऊपर जाना है, नॉर्मल पेपर्स में एनसीईआरटी में नो, मेडिकल के लिए नहीं, कुछ नहीं करना आपने, मेंस और नीट वालों ने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला नोट करना है। तो जब एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ फेंका जाता है तो उसकी जो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है वो इसके इक्वल आती है, फॉर्मूला देख लेना बस, ये फॉर्मूला देख लेना। और उसी तरीके से इसके अंदर अगर आप रेंज निकाल लें तो रेंज का ये फॉर्मूला आप देख लेना, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ फॉर्मूला ही आएगा, फॉर्मूला मार्क कर दो बस, तो एटलीस्ट आपने देख रखा होगा, आप मार्क कर सकते हो, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये रहा। तो तीन फॉर्मूला देख लेना, मैं स्कोर हेड के ऊपर अपनी एक वीडियो अपलोड करूंगा, इसके प्रूफ्स हैं उसमें, एक्सप्लेन्ड है वो कि मैंने कैसे किया। कोई वैसे देखना चाहता है बिल्कुल देख ले, मेरी तरफ से ऑप्शनल है टोटल, शौक के लिए देखना है जरूर देखो, अदरवाइज नहीं भी करोगे आपका लॉस कोई नहीं है इसमें, पर कर लोगे इट्स लाइक इंश्योरेंस यार, कल को आ गया तो कम से कम दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं, ठीक बोलो। डायग्राम ऐसा है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते हैं ना, ये इंक्लाइन प्लेन से चला, इंक्लाइन पे गिरेगा तो कितनी दूर गिरा, आर, तो ये आर का फॉर्मूला बताया है ऐसे है। अगर आपका क्वेश्चन उल्टा आ जाए, प्रोजेक्टाइल को नीचे की बजाय ऊपर से फेंकें, तो फिर उस केस में टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला, रेंज का ये फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला, ये अपने रजिस्टर में नोट कर लेना जहां फॉर्मूला उसको नोट करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, आप कहें कि सर आपको याद है ये, मेरे को याद नहीं है ये, सर रेंज लिख सक, मैं रेंज लिख ही नहीं सकता, मेरे को ये या तो तब होगी जब मैं कम से कम साल में दो बार ये न्यूमेरिकल करूंगा, मैं एक बार भी नहीं कर रहा, या एक बार भी बड़ी मुश्किल से कर रहा हूं। देखो चीजें याद कब होती है, फॉर्मूला याद कब होते हैं, जब आपको 10 बार आता है, 20 बार पता है कि इंक्लाइन प्लेन आना ही आना है, जब आज तक वो आया ही नहीं है तो फिर मैं अननेसेसरी स्टूडेंट को कहूँ इंक्लाइन प्लेन करते हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं छुड़वा भी नहीं सकता, अगर आ गया फिर लोग कहेंगे देखो ये क्या है यार, इंक्लाइन प्लेन छुड़वा गया था यार, और हम तो करने को तैयार ही बैठे थे। अब जो करना चाहता है वो एटलीस्ट अपनी रिकॉर्डिंग से 20-25 मिनट सुन लेगा, अदरवाइज क्लास का टाइम हम खराब नहीं कर सकते इसमें, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है यार ये तो आना, ठीक है, पर एडवांस की प्रॉब्लम है। नॉन मेडिकल, मेडिकल को सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लें, मेडिकल आगे कुछ ना देखे, नॉन मेडिकल देखना चाहता है जरूर देखे, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसमें कैसे किया हुआ है, इसकी ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, लग ही रहा है मेन और नीट का किसी एंगल से आपको लग रहा है, कहीं लग भी नहीं रहा है, एडवांस का ही उठाया मैंने, एक्चुअली इंक्लाइन प्लेन और प्रोजेक्टाइल आता है एडवांस में, सच बताऊं मैं आपको, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी उसी में होती है, वही करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन से लेंगे बॉल को उठा के फेंकेंगे, दूसरे इंक्लाइन पे फेंक देंगे, अब ये और भी ऊपर है, तो उसको जो एडवांस की जो प्रॉब्लम्स है ना, मेरा ये मानना है एडवांस का जो मेन चीज़ है वो रोटेशन से स्टार्ट है, मतलब वर्क एनर्जी रोटेशन के बाद स्टार्ट है, उसकी रिकॉर्डिंग्स अलग हैं, उसकी नोट्स भी अलग हैं, मैं आपको थोड़ी लेट दूंगा, पहले आप थोड़ा सेटल हो जाओ, पहले आप अपना बेस क्लियर कर लो, फिर जब बेस क्लियर होगा उसके बाद उसके ऊपर हम मूव करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, तो आज इतना ही है बस, प्रोजेक्टाइल डन, और अब क्या रह गया, फोर्स, अगली बार बिल्कुल नया लेक्चर, फोर्स का लेक्चर, ठीक ठाक फोर्स हो जाएगा अगली बार, ठीक ठाक हो जाएगा। करोगे क्या संडे को, क्या करोगे छुट्टी, वेक्टर, 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 वेक्टर।